साल 2025 का राशिफल है ये स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों के लिए। हम इस राशिफल में बात करेंगे आपके लिए लव, करियर, फाइनेंस, फैमिली, हेल्थ, फॉरेन ट्रेवल और आपके मंथ्स के बारे में। तो लव से शुरू करते हैं इस साल का राशिफल। लव के मामले में अगर हम देखें तो आप अपने पर्सनैलिटी में काफी सारे बदलाव लेकर के आएंगे। आपको ये कहीं ना कहीं महसूस होता है कि आपकी पर्सनैलिटी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, जिसकी वजह से जो है बहुत सारे लोग आपसे जुड़ने में असमर्थ पाते हैं या अपने आप को थोड़ा सा पीछे रख लेते हैं। आप सॉफ्टनेस लेकर के आएंगे आप इस साल में पर्सनैलिटी में अपनी, और ये एक बहुत अच्छा चेंज होगा आपके लिए और आपके चाहने वालों के लिए, दोनों के लिए। इस साल में प्यार मोहब्बत के जो किस्से हैं, जो कहानियां हैं, वो बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ेंगे और साल खत्म होते होते हो सकता है शादी भी हो जाए। अब हम बात कर रहे हैं अगले वाले सेक्शन के बारे में, जो कि है कैरियर का सेक्शन। तो कैरियर के मामले में आप आगे की तरफ बढ़ेंगे और काफी सारी सफलताएं आपका यहाँ पर इंतजार कर रही हैं। चाहे आपके जूनियर हो, चाहे आपके सीनियर हो, सबसे जो है अच्छे रिलेशनशिप आपके कायम रहेंगे इस साल में। और इस साल में बहुत सारी चीजें और भी आपके लिए इंतजार कर रही हैं। कार्यस्थल पर कुछ नए बदलाव हैं, कुछ नौकरी के चेंजेस हैं और कुछ सारी चीजें, काफी सारी वस्तुएं जो है आपके लिए उपलब्ध होंगी यहाँ पर। लेकिन ध्यान रखिए, 2025 हम कोई नया बिजनेस शुरू करने के लिए अच्छा साल नहीं कह सकते, क्योंकि इस साल में काफी सारे बदलाव आपके लिए इंतजार कर रहे हैं और जरूरी नहीं है कि सारे के सारे जो है चेंजेस आपके लिए अनुकूल हों या बहुत अच्छे हों। अब हम बात करते हैं आपके लिए फाइनेंस के मामले में, रुपए पैसे के मामले में। रुपए पैसे के हिसाब से आप अच्छे तरीके से आगे बढ़ेंगे और आपको यहाँ पर सभी लोगों का सहयोग मिलेगा। काफी हद तक चीजों में आप फाइनेंसिस की स्थिति सुधार पाने में आप सफल होंगे और जो है नेक्स्ट मतलब जो साल का दूसरा हिस्सा है वो पहले हिस्से से अच्छा जाएगा। ये एक शानदार यहाँ पर अवस्था आपके लिए बनी हुई है। अब हम बात करेंगे अगले सेक्शन के बारे में, जो कि है फैमिली का सेक्शन। पारिवारिक तौर पर ये साल एक अच्छा साल माना जाएगा और साल में जो है आप काफी सारी चीजों की व्यवस्थाएं आप कर पाने में सफल होंगे। परिवार में किसी की शादी, विवाह, फंक्शन, इस तरह की गतिविधियां जारी रहेंगी, इस तरह की एक्टिविटीज होती रहेंगी। परिवार का माहौल अच्छा है, लेकिन कोई ना कोई एक कोई आपके परिवार में अगर बूढ़े लोग हैं या एजेड लोग हैं तो उनकी जो है सेहत आपको जरूर परेशान कर सकती है। ये एक यहाँ पर एक ही अवस्था जरूर यहाँ पर बनी हुई है। अब हम बात करते हैं अगले सेक्शन के बारे में, जो कि है आपके लिए आपके हेल्थ का सेक्शन। तो हेल्थ जो है यहाँ पर अच्छी रहेगी, हेल्थ में कोई दिक्कत यहाँ पर लग नहीं रही, लेकिन साल की जो शुरुआत है उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम्स जरूर आ सकती हैं। दिख रहा है कि कुछ यहाँ पर प्रॉब्लम्स आ सकती हैं साल के शुरुआत में, लेकिन जैसे जैसे साल आगे बढ़ेगा वैसे वैसे चीजें आपके लिए ठीक होती जाएंगी। मैं यहाँ पर कुछ चीजें आवश्यक तौर पर आपको कहना चाहता हूँ वृश्चिक राशि वालों। एक तो अपने जो है बदलाव लाइए आप अपने रुख में, थोड़ा सा जिस तरीके से आप सोचते हैं उग्र होने की लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, स्पेशली उन लोगों के साथ में जो जिनका व्यवहार आपकी तरफ अच्छा है, जिनका व्यवहार आपकी तरफ अच्छा है और आपके हितैषी हैं और आपके साथ में अच्छा व्यवहार करते हैं, उनकी तरफ सॉफ्ट रहिए। आपके लिए एक ये और इसी से जो है आपके लिए बहुत सारी राहें खुलेंगी। जरूरी नहीं है कि आप हर चीज का पीछा करें या आप हर क्वेश्चन का जवाब दें और हर चीज में आप उलझें, बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है यहाँ पर इस तरह का कुछ भी। अब हम बात करते हैं आपके फॉरेन ट्रेवल की। तो बहुत सारे फॉरेन ट्रेवल्स हैं जो आपका इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उसके पहले आपको कुछ मामले अपनी लाइफ में सुलझाने होंगे। मार्च के बाद में फॉरेन ट्रेवल्स आपके लिए उपलब्ध होंगे। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं यहाँ पर आपके मंथ्स के बारे में। जनवरी का महीना एक तरीके से काफी सारा फोकस परिवार पर रहेगा। फरवरी के महीने में कुछ पारिवारिक मामले आप सुलझाएंगे। मार्च के महीने में घर में किसी की सेहत आपको थोड़ा सा परेशान कर सकती है। अप्रैल के महीने में जो है ग्रोथ आपको अच्छी मिलेगी, स्पेशली जो है करियर और फाइनेंस के मामलों में।
मई के महीने में अगेन दोबारा से फोकस कैरियर पर ही है, और जून के महीने में जो है एक तरीके से काफी सारा आप सोच विचार करेंगे कि भाई अब क्या करना चाहिए। जुलाई के महीने में जो है धार्मिक हो जाएंगे आप, अगस्त के महीने में आप बहुत सारे ऐसे मामले को सुलझाएंगे जिनको सुलझाना पहले आसान नहीं था, लेकिन आपको कुछ ना कुछ सॉल्यूशंस यहाँ पर मिलेंगे। सितंबर के महीने में आप अपने काम धंधे पर आप वापस लौटेंगे, और यहाँ पर जो है फोकस उसी के ऊपर रहने वाला है। अक्टूबर के महीने में ये महीना शादी विवाह और जो है कोई ना कोई प्रस्तावना या इस तरह से भरा हुआ रहेगा। नवंबर के महीने में अगेन यहाँ पर जो है काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो रिलेशनशिप के चारों तरफ ही घूमने वाली हैं। एक अच्छी मैरिड लाइफ आपका इंतज़ार यहाँ पर कर रही है। दिसंबर के महीने में भी जो है फाइनेंशियल मैटर्स पर फोकस ज़्यादा रहने वाला है। तो ये साल जो है एक तरीके से हम बोलेंगे कि काफ़ी सारे उतार चढ़ाव से भरा हुआ साल आपके लिए रहेगा, लेकिन अगर आप उनकी तरफ सॉफ्ट रहे जो जिनका व्यवहार आपकी तरफ अच्छा है तो ये साल आपके लिए निस्संदेह बढ़िया जाएगा। लेकिन काफ़ी सारी चीज़ों में आपको अपने सोचने के तरीके में बदलाव लाने की ज़रूरत आवश्यक है। अपना ख्याल रखें और हमारा चैनल आप जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच इंडीड एंड गॉड ब्लेस यू।